चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा अभी ये हमारा था 21 ही क्वेश्चन करना है ना दोबारा। 21 यस सर, में, उसका हाँ वो 21 क्वेश्चन का हमारे पास था बी और सी पार्ट, उसके तीनों पार्ट करने हैं हमने। नीचे जो आ रहे हैं ना बी और सी पार्ट में तीनों पार्ट, ऊपर वाले स्लोप इंटरसेप्ट भी करनी है उसकी। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है हमारे पास उसको देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो आपको कल मैंने बताया था। तो इसमें से लाजमी पेपर में, हर दफा पेपर में इसमें से एक सवाल आता है, यही ज्यादातर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ना। तो लेकिन ये ए पार्ट है, हमने करना है बी और सी। हम बी और सी करते हैं, बी और सी पे ये तीनों के तीनों चीजें हमें लूम करनी है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म तो कर ली थी बी और सी की, अब हम देखते हैं इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और हम देखते हैं साथ इसकी नॉर्मल फॉर्म। अब ये देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। कल वैसे मैंने आपको करवाया था, इसका बताया था हिंट, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आता है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आपने वाई को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जानी है। ये देखिए 7y है, यहाँ से 7y एक तरफ, -2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ये दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस। अब 7 आ रहा है इसके साथ वाई के साथ, हमने वाई के साथ 1 बनाना है, तो 7 पे डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो इधर से हमारे पास इनका एलसीएम अलग अलग कर दिया। तो इधर से अब ये देखें वही वाली फॉर्म बन गई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इधर से एम की वैल्यू आपके पास आ गई, ये लिखा हुआ है, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास -4/7, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2/7। ये होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर इसका है अब तीसरा, जो जिसमें नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें कोस और साइन आते हैं। मिनट इसका भी पहले कर लेते हैं ये वाला, फिर उसके बाद वो करते हैं नॉर्मल फॉर्म वाला ना। तो ये देखें हमारे पास इसमें भी हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास उसी तरह ये दोनों पोर्शन दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस जो भी है उधर जाके हो जाएंगे। तो 15 इधर आ रहा है, 15 से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये जो एलसीएम अलग अलग किया, ये एम की वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास सी की। ये 3/5 1/5 ये बन जाएगा, 1/5 सी की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई एम की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू। अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी क्वेश्चन दी हो तो उधर से वो कहे स्लोप निकालो, तो स्लोप आप इस मेथड से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी इजीली आप स्लोप उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है नॉर्मल। अब चलिए ये आ गया हमारे पास, अब इसी उसी क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन का हमने निकालना है नॉर्मल। अब नॉर्मल में हमारे पास बेसिकली होता क्या क्या है, नॉर्मल इक्वेशन में हमारे पास होता है एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब ये होती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म वो ये होती है हमारे पास। अब हमने ये पॉइंट, बेसिकली ये पॉइंट हमारे पास होता क्या है ये बताते हैं। ये एक्स वाई आ गया आपके पास, ये उसका आ गया हमारे पास ओरिजिन पॉइंट आ गया, ये आपके पास एक कोई भी लाइन है, मतलब ये एक लाइन है, ये लाइन जा रही है एक, इसका ये पॉइंट आप रख दें, इसको नाम दे दें बी दे दें ए दे दें, इसको ए दे दें ए बी। जैसे आप एक क्वेश्चन बनाते हो सिंपल,
इधर से ये जो एंगल बनता है इनका वो बनाता है ये एंगल अल्फा, एंगल अल्फा बन गया। और जब अगर यही इक्वेशन इसको सीधा करके देखें तो ये कौन सा एंगल बना रहा है इसके साथ, 90 का, दोनों के साथ 90 90 का एंगल बना रहा है। तो जब हमारे पास हम ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला बकाया एंगल, ये कैसे निकलेगा? आपको पता है कि अगर ये इतना एंगल हमारे पास हो अल्फा, तो हमने ये पूरा बाकी एंगल मालूम करना है, ये वाला इतना, तो ये कैसे निकाल लेंगे? 90 माइनस अल्फा, जैसे करते हैं आप 90 में से वो वाला एंगल निकाल दो, बाकी वो वाला एंगल, ये वाला एंगल तो हो गया अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इस तरीके से। और आपका जो ये इधर लिखा हुआ था हमने पॉइंट पी, वो पॉइंट पी इसी लाइन पे आ रहा है, कोई भी पॉइंट आओ एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास। तो इधर से हमारे पास ये बनता है स्लोप की, जो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन थी उसकी नॉर्मल फॉर्म ये बनती है। अब ये एक्स और कोज, ये कोज और ये वाई, आप वाई के साथ जो साइन, आपको पता है जब आप बनाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स करते हैं तो उसमें एक्स कोज थीटा होता है और वाई साइन थीटा होता है, याद है? तो उसकी तरह ये वही है सेम। तो इधर से ये एंगल कौन सा है हमारे पास, उधर थीटा रखा था, इधर हमने एंगल कौन सा रख लिया? अब ये वाली जो है ना, इसको रोटेट करके देखें, जब ये 90 वाली इस तरह बना के देखेंगे ना आप ये वाली, तो फिर ये सेम आपके पास वही ट्राइंगल बनेंगी, ये वाली दो पोर्शन की, दोनों पोर्शन की, ये एक्स कोस थीटा, अगर अल्फा रखा है एंगल तो एक्स कोस अल्फा, वाई कोस वाई साइन अल्फा, तो इधर से ये बन जाएगा हमारे पास। तो इधर से हमारे पास इक्वल टू ये पॉइंट उस पॉइंट के बराबर आ रहा है जिस पॉइंट को हमने नॉर्मल नॉर्मल कर रहे हैं हम, मतलब जिस पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं 90 का एंगल। अच्छा अभी इसमें अब हमें चाहिए क्या क्या? अब इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आपने इसको देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है 4, और ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये बेसिकली होती है इस तरह, एक लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इधर से लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये बन गई 4x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये बन गई। अब इधर से हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की, ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी की। तो अब हम, आपको याद होगा ये वाली वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते थे, ये वाला पॉइंट, अब जब हम फाइंड आउट करते थे तो क्या करते थे, इन दोनों का स्क्वेयर करके उनका अंडर रूट, एक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, इनमें से हमारे पास ये वाले जो पॉइंट आप रखते थे ये सेम पॉइंट रख लेते थे, आर आर साइन उसमें आर कोस थीटा। तो जब वो सेम आ जाते थे तब हमारे पास कोस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाते थे, उधर से इसकी वैल्यू बनती थी आर। अब इधर से हमारे पास इसकी आर की वैल्यू जो है, वो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, ये हमारे पास ए का स्क्वेयर हो गया, ये बी का स्क्वेयर हो गया, ये आ गया 65। अब 65 आ गया, अब 65 बना ये आ गया। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है ना, किसी भी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म जो आपने बनानी ना, ये तो नॉर्मल फॉर्म उसकी है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब किसी भी आप बनाते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, तो उसका बनाने का तरीकाकार क्या है, उसको पहले लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन में लेके आए, लीनियर इक्वेशन में लाने के बाद ए और बी का स्क्वेयर करके उस पूरी इक्वेशन को उस पर डिवाइड कर दें। टीसीएस में आया तो ये पूरे को हमने डिवाइड कर देना है इस वाले फॉर्म पे, ये जो फॉर्म है ए सॉरी, अगर हम ये लिखते हैं ना, एक मिनट, इसकी नॉर्मल फॉर्म आपको बताता हूँ,
ये आपने किया हुआ, ये वाला क्वेश्चन 10.2 में था, पता नहीं किस में था, ए एक्स प्लस बी वाई, फर्स्ट ईयर में ना, इसको डिवाइड करते थे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। अब ए की जगह हमारे पास इधर आ रहा है 4, बी की जगह इधर आ रहा है 7, तो वही काम किया है 965। तो वो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, एक मिनट, तो ये हमारे पास आ गया 65। अब उस 65 को हमने दोनों उस पूरी क्वेश्चन पे, ये वाली पूरी क्वेश्चन पे 65 को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद अब इसको क्वेर, इस क्वेश्चन को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, जो हमारे पास थी नॉर्मल फॉर्म की क्वेश्चन, एक्स कोज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू पी। अब पी पॉइंट तो हमारे पास आ रहा है इधर से, ये वाला कोज अल्फा किसके, एक्स, एक्स के इक्वल कंपेरिजन जब करेंगे तो इधर से कोज ऑफ अल्फा हमारे पास बन जाएगा 4/√65। तो इधर से साइन अल्फा जो है हमारे पास वो बन जाएगा 7/√65। तो इधर से कोज दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह हमारे पास जो साइन, मतलब कोई भी एक, मतलब इनमें से वैल्यू निकाल लो या दूसरे में से वैल्यू निकाल लो, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू हमारे पास उसमें पुट कर देनी है जहां से हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये वाली जो मेन जनरल इक्वेशन थी इसकी, ये वाली, इसमें अल्फा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो इसमें अल्फा की वैल्यू आपने दोनों जगह में पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। सबसे पहले आपने इसका नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल बनाने के बाद ये वाली जो क्वेश्चन है उसके साथ कंपेयर करना है, उधर से अल्फा की वैल्यू आएगी, इसमें फिर हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी, तो वो उसकी नॉर्मल इक्वेशन, इक्वेशन बनानी थी ना नॉर्मल फॉर्म, तो ये उसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब एक ही क्वेश्चन के हमने तीन फॉर्म बना ली, सबसे पहली थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड वन थी हमारे पास जो हमने की थी, क्या नाम था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और थर्ड, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म थी या टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी, और थर्ड वन थी हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म। अब यही हम क्वेश्चन थर्ड में भी करना है, मतलब इसका जो थर्ड पार्ट है ना उसमें भी यही क्वेश्चन हमने रिपीट करना है। सी वाला, अब ये देखें इधर से, अब आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले एक तरतीब से लिख लिया वही फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक्स वाली टर्म पहले, वाई वाली फिर दूसरी, ये दूसरी तरफ जाके इसने क्या किया है, इधर ऐसे किया है, 8x दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का, 15y उधर जाके क्या हो गया माइनस, माइनस 15y और 3 इधर ही रहा इसी पॉइंट पे, तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। इधर से a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू आ गई माइनस 15, उनका स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करके अंडर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 17। 17 को थ्रू आउट डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये पहले वाली टर्म आप किसी के साथ कंपेयर कर लें, ये साइन की वैल्यू आ गई, वो कोस की वैल्यू आ गई, तो इधर से आप कोस की वैल्यू जो है वो कोस इनवर्स से वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इसको पुट कर दें। अब ये कंडीशन भी आपको पता लग जाती है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कैसे उसने फोर्थ क्वाड्रेंट ले दिया, क्योंकि कोस वाली वैल्यू आ रही पॉजिटिव में और साइन की वैल्यू आ रही नेगेटिव में, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, चौथा क्वाड्रेंट, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो और साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थी हमारे पास वैल्यू, तो वो उसका आंसर आ गया। ये अब उसमें हमने पुट कर देनी है जो हमारे पास क्वेश्चन थी, एक्स कोज अल्फा प्लस वाई को वाई साइन अल्फा, ये उसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इसका। जी सर, जी जी सही है, साइन और कोज की वैल्यू कहाँ से फाइंड की है हमने, जस्ट कोज की है, ये कहाँ से मालूम की है, ये देखो भाई यही तो मैंने बताया था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना,
जी सर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गई ना। अब जी नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स कोज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू पी। अब ओके ये सर देखो लग गए समझ। कोज अल्फा किधर किसके बराबर है, एट एट ओवर एट ओवर सेवनटीन। सेवेंटीन साइन अल्फा किसके बराबर है, माइनस। तो इधर से माइनस मुझे फिफ्टीन क्वाड्रेंट का माइनस भी वन पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि कोज अल्फा से कोस के साथ ही फाइंड क्यों किया है। हाँ उधर से हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अल्फा साइन इनवर्स से भी को फाइंड कर सकते थे तो हाँ उधर से मालूम कर लो, उससे भी आ जाएगा, उससे भी फिर वही आंसर आंसर आएगा। यही आंसर आएगा। हाँ यही सेम आंसर आएगा, निकाल के देख लो अभी। ओके सर तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 22, यस क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर सर 22 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, उसमें ऊपर हमने देखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये कैसे चेक करेंगे, इनकी स्लोप निकालनी है हमने, स्लोप चेक करनी है। अगर तो स्लोप आपको बताया था कल, अगर तो स्लोप आ गई M1, पहले की लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप बराबर आ गई तो हम इसको कहेंगे पैरेलल, अगर बराबर नहीं आई तो नॉट पैरेलल, सॉरी इस तरह लाइन कट देनी है। और परपेंडिकुलर में क्या थी, M1 इक्वल टू माइनस वन ओवर M2, ये परपेंडिकुलर में ये वाला लाइन उसकी। और अगर ना हो हमारे पास, बल्कि ये परपेंडिकुलर और पैरेलल ही बताना है, अगर थर्ड को भी ये वाली कंडीशन आती है तो वो हमारे पास नॉर परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल हमारे पास होगी, वो देखते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, ए पार्ट में देखें लाइन वन है, उसकी स्लोप हमने कैसे निकालनी है, स्लोप निकालने का वही तरीका का है, एक एक लाइन का सवाल है। इधर से वाई एक तरफ रहने दें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, तो -2x + 3, तो इधर से स्लोप क्या बन गई इसकी, -2। और नीचे वाली क्वेश्चन से हमने जब निकालेंगे वाई की वैल्यू तो हमारे पास रह जाएगा 2y = -4x - 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो y = -2x और -5 ओवर 2। तो इधर से भी हमारे पास इसकी स्लोप क्या आ गई, -2। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल, इस लाइन में जा रही हैं, इस तरह जा रही हैं या इस तरह जा रही हैं, जिस तरह मर्जी, मतलब दोनों आपस में पैरेलल ही हैं। तो ये हमारे पास हमने स्लोप वाले कंसेप्ट से बता दिया कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या थी, पैरेलल। स्लोप निकालने का तरीका कार आपको बता दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने के बाद आप इजीली उसको बता सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो नेक्स्ट कौन सा है इसका पार्ट, नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। सी पार्ट। अब ये देखें उसी तरह दो लाइन आ गई हमारे पास, लाइन वन लाइन टू। लाइन वन में से हमारे पास 4y = -2x + 1, y = 2/4x + 1, y = 1/2x + 1, 1/2 आ गई पहले की स्लोप। तो और दूसरे की जो स्लोप है वो निकालते हैं हम, वहां से बन गई x - 7, इधर ही रहा 2y, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया ये वाला जो, तो 2 पे जब डिवाइड करेंगे 1/2x - 7/2 = y। अब इसकी स्लोप इधर से mx बन रहा है जो हमारे पास वो 1/2 है, और इसका भी हमारे पास गलत नहीं होगा कहीं से, नहीं इधर माइनस भी आना था, इधर माइनस, इसका बन रहा है -1/2। M1 हम कह देते हैं लाइन वन की जो स्लोप है वो -1/2 है, और M2 की जो स्लोप है वो 1/2 है ना, तो ये कि इसी के इनवर्स रेसिप्रोकल है, ये देखो नेगेटिव रेसिप्रोकल, अगर ये नेगेटिव ये प्लस हो के ये इधर बन जाता 2, ऐसे प्लस भी हो गया और साथ 2 भी इनवर्स भी हो जाता, तब हमने कहना था परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है और ना ही हमारे पास पैरेलल है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी फिर, ये हमारे पास बन जाएगी लाइन, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है, दोनों हमने चेक कर लिया।
तो लाइन नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट ई पार्ट है सर. ई पार्ट इसका, ई पार्ट हमारे पास आ गया डी ई. लिखवा दो मुझे क्या क्या है सर. 12x हाँ हाँ प्लस 35y माइनस 7 इक्वल टू 0. वन से बन जाएगा 12x माइनस का प्लस 7, 35 पे हम डिवाइड कर देंगे इसको भी, 35 पे इसको भी, ये बन जाएगा y. तीन चार बार तीन पे जाते ही नहीं है, ये बन जाएगा माइनस 12 ओवर 35 m1. ठीक हो गया. इधर इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो है 105x माइनस 36y प्लस 11 इक्वल टू 0. तो इधर से हमारे पास बन जाएगा 36 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 105 ओवर 36 एक्स प्लस 11 ओवर 36. तो ये मेरे ख्याल में डिवाइड नहीं होते, 35 पे होता है ये डिवाइड. यहाँ देख लो इसका और मजीद इसका डिवाइड होता है मेरे ख्याल में.